लड़के लोग का जो नंबर होता है कैसे गिरता है और कैसे इंक्रीज होता है। देखिए कभी कभी कहा जाता है कि बहुत अच्छे जो लड़के होते हैं मतलब जो गुड होते हैं वो भी कभी कभी फेल कर जाते हैं। ऐसा बात नहीं है, ये गलत कहा जाता है। मेन तो ये रहता है कि उन्होंने सही कंडीशन से पढ़ाई नहीं किया था इसलिए फेल हो गए। देखिए मैं इस वीडियो में सिर्फ ये बताऊंगा कि जो सीबीएसई बोर्ड करता है उसका पॉलिसी जो है वो क्या है और क्या वो मतलब बच्चों को सीख देता है कि नहीं, क्या बच्चों को करना चाहिए क्या गलती नहीं करना चाहिए। देखिए स्टूडेंट सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा सीबीएसई बोर्ड टोटल एग्जाम देता है सिर्फ 80 मार्क्स का नंबर का एग्जाम देता है। मतलब प्रत्येक जो एग्जाम रहेगा जैसे हिंदी का हो गया तो 80 नंबर का, मैथ का हो गया 80 नंबर का, एसएसटी का हो गया 80 नंबर का, मतलब जितना और सब्जेक्ट लेगा वो कितने मार्क्स का लेगा 80 नंबर का लेगा, मतलब जो मेंस होता है। तो अब दो 20 नंबर बचा। 20 नंबर देखिए स्टूडेंट ये आपके विद्यालय से मिलता है जो कि 20 नंबर में हमारा रहता है डिसिप्लिन, नोट्स और एक वाइवा के नाम से एग्जाम होता है वो रहता है। अब देख लो वाइवा क्या होता है, वाइवा ओरल एग्जाम होता है। इसमें भी इंक्लूड रहता है दो टाइप, भाइवा में दो टाइप होता है, एक हमारा रहता है प्रैक्टिकल और एक हमारा होता है अटेंडेंस। अटेंडेंस का मतलब स्टूडेंट आप कितना दिन विद्यालय में उपस्थित रहे थे वो हो जाएगा और भाइवा का प्रैक्टिकल कहने का मतलब होता है कि वो जो आपसे पूछा जाएगा जो एग्जाम से एक दिन पहले या फिर दो दिन पहले, मतलब एक दिन दो दिन पहले नहीं एक महीना डेढ़ महीना पहले आपसे एक कॉपी लिया जाएगा जो कि प्रैक्टिकल के नाम से लिया जाता है। साथ ही साथ एक और चीज मैं बता दूं, यहीं तक नहीं ये खत्म होता है बल्कि 20 नंबर में ही इंक्लूड होता है कि आपने कितने दिन तक टोटल क्लास किया था, मतलब व्हाट इज योर रेमा, व्हाट इज योर डिसिप्लिन एंड साथ साथ आपका ये भी रिमार्क दिया जाता है कि आपने कितने दिन तक यूनिफॉर्म पहन कर गया था, कितने दिन तक नहीं पहना था। उसमें देखिए कुछ लड़के डर जाते हैं कि शायद हम लोग के स्कूल के जो टीचर हैं हम लोग को डिसिप्लिन में बिहेवियर गलत कर दिए तो कोई मतलब नंबर कट लेगा, ऐसा स्टूडेंट नहीं होता है। सीबीएसई ने एक पॉलिसी लगाया हुआ है जिसमें कहा हुआ है कि आप 20 मार्क्स में से 18 या 19 किसी लड़के को दे सकते हैं, इससे नीचे किसी को नहीं दे सकते। याद रखिएगा कोई भी टीचर आपका 18 मार्क्स से कम नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आपसे वो गुस्सा में हो या फिर कुछ भी हो, मतलब उसका डायरेक्टरी है कि आप इस नंबर से इस बाउंड्री से नीचे नहीं उसको ला सकते हैं। तो हो सकता है किसी टीचर का किसी लड़के से दुश्मनी हो तो वो क्या करेगा 9 नंबर ला कर दे देगा, मतलब 9 नंबर दे देगा, तो हो गया फिर। अब यहाँ पे देखो इस 80 नंबर का सीबीएसई बोर्ड क्या कहता है, 80 नंबर का जब सवाल उठता है तो इसमें सबसे पहले देखो इस टाइम का जब बात करते हैं तो लगभग 22 से 25 नंबर का एमसीक्यू प्रेजेंट टाइम में पूछा जा रहा है। देखो स्टूडेंट कुछ लड़के होते हैं जो कहते हैं कि बिहार बोर्ड बहुत तगड़ा एग्जाम देता है, मैं उसको डिस्क्वालीफाई करता हूँ। नहीं, हमारे पास जो 7th क्लास के लड़के पढ़ते हैं वो आपके बोर्ड के एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे, ये मैं लिखित आपको देता हूँ, जो बिहार बोर्ड होते हैं उनमें कह रहा हूँ बात। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का पेपर जो होता है बहुत काफी रगड़ खाकर बनती है, मतलब बहुत काफी हार्ड रहता है। अब उस बात आती है यहीं से, देख लो सिर्फ 22 से 25 नंबर का एमसीक्यू आता है, उसके बाद जो अब नंबर आएगा लगभग 10 से 12 नंबर का आता है आपका केस रीड। अब देखिए केस रीड में क्या होता है, जैसे मान लो आपको कहानी दे दिया और कहानी में से आंसर छापना रहता है, लेकिन अब तो कहेंगे कि सर बहुत मजा आ जाएगा कहानी में से आंसर छापना रहता है, लेकिन उस कहानी के आंसर से पहले आपका जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये दे देता है कि आंसर उस टाइप से लिखिएगा जो कि कहानी में दिया है वो। सबसे दिक्कत की बात यहाँ से उठती है बच्चों, जो कि मतलब कह दे अगर आप ही कब सोचिए मैं एक कहानी सुना दूं और बोल दूं कि देखना ये क्वेश्चन मैंने दे दिया और इसमें से लिखवे मत करना तुम खुद अपने से लिखो, बोलने नहीं हुआ। बिहार बोर्ड के लड़के क्या कहते हैं कि अरे सीबीएसई बोर्ड के तो लड़कों को ऐसे ही नंबर मिल जाता है। एक चीज बताओ स्टूडेंट, जिस लड़के को अच्छे से बिहार बोर्ड में क्या होता है स्टूडेंट, जिसको अच्छे से बुक रीडिंग करने नहीं आता है वो भी फर्स्ट डिवीजन लेकर बैठ जाता है। मेन क्रेज यहाँ से उठता है कि आखिर वो फर्स्ट डिवीजन ला लिया, उसके साथ साथ में एक चीज आता है बिहार का अभी मिनिमम 60 नंबर का एमसीक्यू हो रहा है बिहार में। अगर बात करें 60 नंबर का तो 60 नंबर आता ही नहीं है, इसमें जो एमसीक्यू रहता है 100 एमसीक्यू रहता है। याद रखना कितना बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान रखना बिहार बोर्ड में कितना एमसीक्यू का क्वेश्चन रहता है 100 क्वेश्चन रहता है, जो कि टोटल मार्क्स कितना अटेंड करता है 50 नंबर। अब सोचो कि 100 में से 50 क्यों नहीं तुम सही कर सकते हो, और दूसरा चीज बचा 30 नंबर का रिटेन एग्जाम आराम से तुम लिख सकते हो, अब इतना लिखने की क्षमता तुम्हारे पास नहीं है तो फिर पढ़ना बेकार है, तुम आगे कंपटीशन क्या देंगे। उसी के साथ साथ अगर सीबीएसई की बात करें हमने बता दिया, अब पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज पॉलिसी ऑफ सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड का जो अटेंडेंट होते हैं मतलब कह सकते हैं जो हेड होते हैं उन्होंने सुचारू रूप से एक अलग नीति अपनाई, जैसे इन्होंने ये कहा कि जैसे मान लो मैंने लिखा
व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। और मैंने इस क्वेश्चन का नंबर बताया कि इस क्वेश्चन का नंबर रहेगा एक नंबर, ठीक है। आपने यहाँ पे आंसर लिखना स्टार्ट किया और आंसर में लिखा माय नेम इज, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मेरा नाम है लक्ष्य, मैंने लिख दिया लक्ष्य, ठीक है। फिर इसी को मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो आपको गलती नहीं करना, यहाँ पे आपको ऐसे या तो बिंदी देना है या तो स्टार दे देना है, मतलब ये आपको इंडिकेट कराना है। फिर मैंने लिख दिया आई एम लक्ष्य, आई एम लक्ष्य। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, अब देखिए मैंने 2 पॉइंट लिख दिया, क्वेश्चन कितना है एक नंबर का है। अब मैंने यहाँ पे कितना लिखा है 2 पॉइंट लिखा है। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड पॉलिसी स्टूडेंट मुझे यहाँ पे कितना नंबर मिलेगा 2 मार्क्स। अब एक चीज बताइए क्वेश्चन कितना नंबर का था 1 नंबर, लेकिन मिला कितना 2 नंबर। यही ध्यान रखना पड़ता है स्टूडेंट कि आखिर हम लोग करें क्या। देखो एक और चीज बताते हैं, सीबीएसई बोर्ड के लड़कों पे आप लोग जल्दी उठा देते हैं, जो बिहार बोर्ड के लड़के रहते हैं, ऐसा बात नहीं है स्टूडेंट। वो लोग जितने भी सीबीएसई बोर्ड के लड़के होते हैं, याद रखना सभी लोग कैसे होते हैं, क्रीम। सीबीएसई बोर्ड का गधा और बिहार बोर्ड का सबसे ऊपर वाला लड़का, दोनों बराबर होते हैं, समझ लेना। मतलब नहीं समझे, बिहार बोर्ड में 80% लाना और हमारे यहाँ पे 50% लाया हुआ लड़का, दोनों कंपेयर कर देगा। आपका 80% वाले का नाम लिखने नहीं आ सकता है, लेकिन हमारे यहाँ 50% वाले का नाम लिखने अच्छे तरह से आएगा, उसको अच्छे से बात करने आएगा। हम देखते हैं हमारे गांव में बहुत सारे हैं जिनको कि अच्छे से नाम लिखने नहीं आता है। अब देखिए मैं इस वीडियो में नाम नहीं धरूंगा, और वो लोग क्या किए अच्छे नंबर से पास किए, यहाँ तक कि 75%, 88%, 82% से पास किए। मैं देखो यहाँ पे मुझे किसी को टारगेट करना बात नहीं है, मेरा ये सवाल था कि सीबीएसई बोर्ड का नियम क्या है। सबसे पहले आप सिर्फ देखो उसने कहा हुआ है, आप टोटल क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन हल कर दो, उस 5 क्वेश्चन को ऐसा हल करो कि एग्जामिनर कह दे कि हाँ इस लड़के में दम है, इसमें आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। जितना मार्क्स तुमको चाहिए उतना मार्क्स देगा, भर भर के कहते हैं ना कि वो झोला में भर कर मार्क्स देगा, उसी तरीके से आपको फुल मार्क्स मिलेगा। लेकिन इस बात को याद रखना है स्टूडेंट, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग आएंगे एग्जाम में बैठेंगे और जो मैंने बताया जो लाइन उसको ना यहाँ पर बिंदी वगैरह ना देकर डायरेक्ट आप लिखना स्टार्ट करेंगे। देखो ये अगर डायरेक्ट लिखोगे तो उसको खुद पता नहीं चलेगा कि तुमने लिखे क्या हो, इसके कारण कि जो चेक करने वाला होगा वो क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा। जब क्रॉस किया आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब भी मतलब ये इसने गलत कर दिया तो इसका मतलब है कि आपका नंबर खत्म। इसलिए मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, आप अपने बुक में जितना भी आपका सिलेबस है, मतलब दूसरा देखिए सीबीएसई बोर्ड अभी क्या जारी कर रहा है, फिलहाल में सिलेबस जारी कर रहा है, और सिलेबस में देखिए अभी टीचर लोग क्या कर रहे हैं, उन चैप्टर को पढ़ाते हैं। अभी सिलेबस की अगर बात करता हूँ स्टूडेंट, सिलेबस में आपका 50% इंक्रीज कर दिया है सीबीएसई बोर्ड, मतलब कहने का स्टूडेंट आपके चैप्टर भी कम हो गए हैं और चैप्टर का पार्ट क्या पढ़ना है वो भी कम हो गया। अभी फिलहाल बहुत सारे स्कूल में टीचर लोग हैं, देखिए मेरा टारगेट किसी को भेंट करना नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मेरे कमेंट में ऐसा मत करना कि गाली लिख कर डाल देना, ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत इसमें देखो सिलेबस में क्या किया है, पहला तो चैप्टर को घटा दिया है, लेस कर दिया, ठीक है। साथ साथ जो चैप्टर है चैप्टर के बीच में से भी लेस कर दिया, मतलब घटा दिया, मतलब सिर्फ बहुत कम रह गया है। जैसे मान लो हमारे एनसीईआरटी में बुक में 15 चैप्टर है, तो इस टोटल चैप्टर में से 9 चैप्टर हमारे एग्जाम में आएगा, 15 चैप्टर नहीं आएगा। दूसरा चीज जो 9 चैप्टर है इसमें से 5 चैप्टर को तो फूल लेगा, मतलब पूरा क्वेश्चन उठा सकता है ये, लेकिन जो अब 4 चैप्टर बचा उसमें से 12 ग्राफ में से क्वेश्चन उठाएगा, 11 ना 9 चैप्टर नहीं आएगा, 9 चैप्टर में से 5 चैप्टर का बोर्डली पढ़ लेना, मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, और 4 चैप्टर का कैसे पढ़ना, हल्का फुल्का पढ़ लेना, मतलब जो भी एमसीक्यू में उठा सकता है। अब स्टूडेंट कहेंगे कि सर आपने यहाँ तक बता दिया तो सिलेबस क्यों नहीं बता दिए, स्टूडेंट सिलेबस को भी बताऊंगा लेकिन शायद हो सके अगले वीडियो में बता दूं, अभी फिलहाल इसी में बहुत सारा बचा हुआ है जिसको कि हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अब जैसे मैंने बता दिया सबसे नंबर कैसे आता है, किसी भी व्यक्ति का नंबर कैसे आता है, ये किसी लड़के का अच्छा नंबर कैसे आ जाता है, हम लोग का नंबर खराब कैसे आता है। देखो सबसे पहले तो हम लोग करते हैं सिलेबस को हम लोग देखे नहीं करते हैं, हम लोग क्या किए क्लास 9th में गए, दे जो टीचर पढ़ा दिया उसको पढ़ो, और नहीं पढ़ाया तो उसका मुंह देखे हम। दूसरा चीज इधर उधर बातें किए, बातें देखे, यहाँ तक कि कुछ स्कूल में ड्रामा किए, बात की, सब चीज जितना चीज हो सके कर लिए, लेकिन इस पे हमारा कभी फोकस नहीं है। एनी एग्जाम यू कैन सी ओनली फॉर सिलेबस,
यानी आप किसी भी एग्जाम को दीजिए, देखिए किसको, सिलेबस को, क्यों सिलेबस पे स्टूडेंट, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसका सिलेबस देखकर आप उसको क्वालिफाई ना कर जाए। आप दुनिया के किसी भी एग्जाम को देकर देखिए, पहले क्या करिएगा इसका सिलेबस देखिएगा और सिलेबस को ही अच्छे तरह से समझिएगा। अब ऐसा नहीं कि सिलेबस देख लीजिएगा पता चला कि हमें नहीं लगा, पढ़ भी लिए, एग्जाम देने का कुछ भी नहीं, ऐसा मत करना, सिलेबस को ध्यान से देखना। अब हमने बता दिया कि जैसे 15 चैप्टर है तो 15 चैप्टर में से रिड्यूस कर दिया, मतलब घटा दिया है, क्योंकि यहाँ पे कितना कर दिया 9 चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर है ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कौन कौन से चैप्टर को पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। हाँ, अगर ये कहते हैं कि नहीं आगे भी बताइए कि आगे क्या होता है, इस 9 चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर मुख्य होते हैं और कौन मतलब पढ़ना चाहिए, वो भी बता सकता हूँ। लेकिन फिलहाल आप अपने टीचर से भी पूछिए कि कौन सा चैप्टर रिड्यूस कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया, और कौन सा चैप्टर बढ़ाया गया है, कौन सा चैप्टर बढ़ाया जाएगा, पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि सभी सीबीएसई बोर्ड में नहीं आते। सीबीएसई बोर्ड क्या करता है, अभी एक और नीति अपनाया हुआ है स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड में। सीबीएसई बोर्ड क्या हुआ है कि आपके बोर्ड एग्जाम दो बार होंगे, जो मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाता है या फिर कम नंबर ला लेता है तो उसके लिए सेकेंड अटेम्प्ट रहेगा, मतलब एक ही साल में दो बार कंडक्ट करेगा सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन, मतलब सीबीएसई के जो सेंटर बोर्ड है वो दो बार आपसे एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। अगर आप ये श्योर है कि नहीं मेरा पहले बार में अच्छा नंबर आ गया है और इससे ज्यादा नंबर नहीं आएगा तो आप इसी का रिजल्ट निकाल सकते हैं, और अगर आपको ये लगता है कि नहीं इस बार से अधिक स्कोर करूंगा अगली बार तो आप इसका निकाल सकते हैं। सर मैं लेना दोनों चाहता हूँ और मुझे लेना एक ही का है जिसमें कि अच्छा है तो क्या करूँगा। देखो स्टूडेंट आप दोनों देना, ठीक है, दोनों एग्जाम देना और आपको जिसमें अच्छा लगेगा वो वाला मार्कशीट डाउनलोड करवा देना या फिर वो वाला मार्कशीट निकाल देना, बहुत अच्छा पॉलिसी है। जो बच्चे फेल हो जाते थे अभी यहाँ पे ना ही कोई फेल होगा और ना ही किसी का खराब मार्क्स आएगा। दूसरा एक और चीज जान लो, 2025 में जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसमें आप लोग को एनसीईआरटी बुक लेकर एग्जाम देना है, मतलब बुक आपके साथ रहेगा, बहुत खुशी की बात हो रही है, बहुत खुश होंगे कि बुक साथ रहेगा तो एग्जाम में तो पूरा नंबर आ जाएगा, नहीं स्टूडेंट बहुत खतरनाक है, बुक आपके साथ रहेगा इसका मतलब जानते हैं बहुत हार्ड क्वेश्चन होते बहुत हार्ड क्वेश्चन, बुक साथ ना हो तब तो बच जाएंगे लेकिन बुक साथ है आप नहीं बच पाएंगे। यहाँ पर उसने ये नीति अपना दी है कि आप जिस सब्जेक्ट का एग्जाम रहेगा उस सब्जेक्ट का बुक लेकर जाइएगा और आप अपने पास रखिएगा, आपको दिया जाएगा 1 आवर पढ़ने के लिए एंड 1 आवर या फिर 2 आवर कह सकते हैं लिखने के लिए, 1 घंटा पढ़िएगा और 2 घंटे में लिखिएगा। अब देखिए उसका यहाँ पे भरमाने कामों का तरीका, इसमें देखिए पहले ऐसे एग्जाम होता था, मतलब कुछ लोगों से जैसे बड़े भैया लोग से पूछे या फिर पापा लोग से पूछे तो उन्होंने कहा कि हाँ पहले होता था, पहले लोग क्या करते थे क्वेश्चन पेपर को एक बार दिखा दिए और कह दिए कि अब पढ़ लो और फिर कुछ देर के बाद उसी को ला कर दे दिए हम लोग लिख ली, लेकिन ये अभी ऐसा नहीं होने वाला है, आपका क्वेश्चन पेपर भी सामने बुक भी सामने और लास्ट तक बुक सामने रहेगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपके बुक से एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग क्या करिएगा, मेन फोकस ऑन द सिलेबस एंड ऑन द सीबीएसई बोर्ड पॉलिसी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय भारत।